आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। सुना, यह रिजवान जो एक कुख्यात अपराधी है, लेकिन आज कुख्यात अपराधी न सिर्फ अपनी जान की भीख लिखित में मांग रहा है, बल्कि इसे एनकाउंटर का भी डर सता रहा है। तो बता, हमारा कौन सी थन का मुकदमा है और किस चीज का मुकदमा लगाया इन लोगों ने पे? इनसे पूछ। तभी तो ये पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे डर सता रहा है कि कहीं पुलिस इसका एनकाउंटर ना कर डाले। ये वीडियो हरदोई के अस्पताल का बताया गया है। जानकारी के मुताबिक रिजवान गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त है, जिसके चलते KGMU लखनऊ के डॉक्टरों ने उसे डायलिसिस की सलाह दी थी। इसी के चलते उसे डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज भी लाया गया था, लेकिन यहां उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और डायलिसिस नहीं कराई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे KGMU ले जाने की सलाह दे डाली। वहीं जब KGMU जाने के लिए सिपाही उसे एम्बुलेंस में बिठा कर लेके जाने लगे, तभी रिजवान ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और तो और रिजवान इतना डरा हुआ था कि वो पुलिस कर्मियों के साथ एम्बुलेंस में बैठने के लिए तैयार भी नहीं हुआ, लिहाजा उसने हंगामा तो किया ही और वो पुलिस कर्मियों से गोली न मारने की गुहार तक लगाने लगा। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। अब आगे ये बताएंगे सिपाही साहब कहाँ से आए थे? ये जेल, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। तुम कहाँ से आए? हम तो जेल कारागार से आए हैं, हरदोई से। क्या नाम है? रिजवान। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर और पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और रिजवान को समझाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं माना और ट्रामा सेंटर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों से मांग करता रहा कि भैया मुझे लिख कर दे दो कि रास्ते में गोली नहीं मारोगे। एक समय वो हुआ करता था जब अपराधी पुलिस वालों पर ही हावी रहा करते थे, बल्कि पुलिस वालों पर हमला तक कर डालते थे, लेकिन योगी राज में ऐसा बदलाव आया कि अपराधी पुलिस वालों से जान की भीख मांगते हुए अब नजर आराम से आ जाते हैं। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।